हे गेमर्स, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल एल्डर गेमिंग में। तो चलिए गेम खेलते हैं। ओके गाइस, तो आ चुका हूँ मैं यूटोपिया ओरिजिन के एक और नए और बिल्कुल ही फ्रेश वीडियो के साथ में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम हमारे वेयरवुल्फ अटेंडेंट को अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। भाई साहब, कतई मैं वेयरवुल्फ विजार्ड बना के रहूँगा भाई। उसके बाद में ही अगली वीडियो आएगी भाई साहब। तो ठीक है, तो आज वेयरवुल्फ को फिर से हम अपडेट करने वाले हैं, ठीक है। और वेयरवुल्फ को अब अपडेट करने के लिए मेरे को टेम करना पड़ेगा डिजर्ट वुल्फ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें वुल्फ टेम करने पड़ते हैं, उसके बाद दो वुल्फ को मर्ज करने के बाद में क्या बोलते हैं उसमें किंग वुल्फ मिलाना पड़ता है। और किंग वुल्फ मिलाने के बाद में हमें जो वेयरवुल्फ अटेंडेंट मिलता है उसमें हमें डिजर्ट वुल्फ मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो डिजर्ट वुल्फ का फीड इस तरीके से बनेगा, ठीक है। ये है क्या बोलते हैं ये मीट फीड, अरे भाई इधर ये मीट फीड है, रो लैम्प चॉप है और पोटैटो फीड है, ठीक है। तो मैंने फीड वगैरह सब बना के रखा है, बिकॉज यार इसमें टाइम लगता है, 100 फीड मैं बनाता हूँ एक साथ में, तो भाई साहब कतई बड़ा टाइम लग जाता है मेरे को, ठीक है। तो वैसे तो बना के रखा है मैंने 99 पहले से ही रेडी रखा था। उसके बाद में अभी सीधा चलते हैं और टेम करते हैं भाई साहब किंग वुल्फ को, ठीक है। किंग वुल्फ नहीं, या डिजर्ट वुल्फ, ठीक है। ओके, तो मैंने अभी क्या बोलते हैं ये सारे के सारे पेट केज बना लिए, बिकॉज वहाँ पे हम टेम करेंगे तो सारे के सारे तो क्या बोलते हैं परफेक्ट रहने वाले नहीं है, ठीक है। मेरे को बहुत सारे टेम करने पड़ेंगे वैसे, ठीक है। और डिजर्ट किस साइड में है भाई साहब? ओके, इधर है, ठीक है। इस साइड में है डिजर्ट, तो मैं पहले डिजर्ट में पहुंच जाता हूं और उसके बाद में मिलता हूं, ठीक है। ओके, तो फाइनली भाई साहब मैं आ चुका हूं डिजर्ट के अंदर, ठीक है। ये है पूरा का पूरा डिजर्ट और ये है डिजर्ट वुल्फ, ठीक है। तो अभी मेरे को टेम करने हैं डिजर्ट वुल्फ। ओके, तो अभी मेरे को टेम करने हैं डिजर्ट वुल्फ और लेट्स टेम इट। पहले इसको 40 लेवल का है भाई साहब, कतई ठीक है। तो 40 लेवल हो या 50 लेवल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओ भाई साहब, ये नहीं भाई, और अभी मैं इसको स्टंट कर, अरे भाई स्टंट हो जाओ। ओके, हो गया भाई साहब, ठीक है यार। मतलब यार ये ब्लीडिंग इफेक्ट देते हैं ना यार, इसमें हेल्थ बहुत जल्दी जल्दी जाती है। 10 खाया इसने, ठीक है। ओके, तो लेट्स चेक दी इसके स्पेक्स में देख लेता हूँ। स्पेक्स में है 1. ओ भाई साहब क्या बात है, 2.7 और 95 है, ठीक है यार। तो ये वाले पेट का थोड़ा सा अप डाउन है वैसे, ठीक है। इसको मेरे को 2.9 का एचपी चाहिए और अटैक चाहिए 1.4 का, ठीक है। वैसे ये चल सकता है, लेकिन मेरे को दोनों ही चीज़ें परफेक्ट चाहिए, वरना मेरा वेयरवुल्फ विजार्ड बिगड़ जाएगा भाई साहब, ठीक है। तो क्या बोलते हैं मैं टेम कर लेता हूँ और थोड़े बहुत, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट होगा वो टेम करने के बाद में मैं मिलता हूँ, ठीक है। और मेरे को इनका लेवल 40-40 करना पड़ेगा भाई साहब, क्या बात है क्या यार, 40-40 करना है। तो ठीक है, तो मैं एक अच्छा खासा टेम कर लेता हूँ, अच्छे स्पेक्ट्स वाला 40 लेवल कर लेता हूँ दोनों के, उसके बाद मैं मिलता हूँ। Okay guys, तो फाइनली मेरे को मिल चुका है एक ऐसा डिजर्ट वुल्फ जो जिसके स्पेक्ट्स काफी मस्त है, ठीक है। और ये वाला डिजर्ट वुल्फ जो मैंने लास्ट में टेम किया है, इसके स्पेक्स हैं 2.9 और 1.5, ठीक है। मेरे को चाहिए थे 2.9 और 1.4, लेकिन यहाँ पे 5 है भाई साहब, कतई मस्त है, ठीक है। बिकॉज ये हमें जितना चाहिए उससे भी काफी ज्यादा है, तो ये एक अच्छी बात है। हमें जितना चाहिए रहता है उससे अगर ज़्यादा रहता है तो हमारा क्या बोलते हैं हम जो बनाने वाले हैं वो और ज़्यादा पावरफुल होता है, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास में अभी आ चुकी है सारी की सारी चीज़ें, ठीक है। चीज़ें क्या भाई साहब, वेयरवुल्फ अटेंडेंट हो चुका है मेरा 40 लेवल का, और वेयरवुल्फ क्या बोलते हैं डिजर्ट वेयरवुल्फ भी 40 लेवल का हो चुका है, ठीक है। और भाई साहब इस वेयरवुल्फ अटेंडेंट को 40 लेवल करने में ना मेरी ऐसी की तैसी हो गई है भाई साहब। कितना टाइम लग गया भाई साहब, और बड़ा दिमाग ख़राब करता है यार लेवल अप करवाने में।
ठीक है तो ओके देख लेता हूँ मैं पहले, यही है ना 2.9 और 1.5, ठीक है तो यही वाला है। ठीक है तो ये है इसके अटैक फैक्टर और एचपी फैक्टर। ठीक है तो क्या बोलते हैं, वेयरवुल्फ अटेंडेंट का है, अटेंडेंट ही है ना, 2.6 है और 1.5 है, और इसका डिजर्ट वुल्फ का 2.9 और 1.5 है। ओके तो करते हैं दोनों को मर्ज। ओके तो न्यू मॉन्स्टर एडेड, वेयर वुल्फ शैमन। ठीक है तो ये भी है म्यूटेंट, और भाई साहब म्यूटेंट ही होना चाहिए, हम कुछ भी बनाए वो म्यूटेंट ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो फाइनली हमने बनाया है भाई साहब कतई वेयर वुल्फ शैमन। ठीक है तो इसके अटैक है भाई, एचपी है 2.9 और अटैक है 1.6, 1.6 है यार, 1.8 इसका आना चाहिए भाई साहब, लेकिन कोई नहीं, फिलहाल दोनों का मिला के कितना होगा, वन ये थ्री मतलब फोर, एक मिनट सोचने दो भाई, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी वरना भाई साहब इसमें गड़बड़ ना हो जाए। वैसे म्यूटेंट तो है लेकिन फिर भी 2.9 है ऐसे, ठीक है, और इसका है 6, मतलब वन इधर चला गया तो वो 3 हो गया और ये 1,500, ठीक है भाई साहब। अब अगला जो मेरा क्या बोलते हैं इसके बाद वाला अपडेट आएगा उसमें सीधा 500 अगर प्लस होगा तो मेरा वेयरवुल्फ विजार्ड एकदम परफेक्ट बनेगा, और अगर 500 प्लस नहीं हुआ तो भाई साहब कतई वाट लग जाएगी। ओके तो चलो इसको रिपेयर कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है तो एक्सट्रैक्टर मेरे पास में पड़े होंगे इधर, ठीक है तो वेयरवुल्फ के एक्सट्रैक्टर मेरे पास में पड़े हैं, ठीक है किधर गए भाई एक्सट्रैक्टर। ओके ये रहे, अब इसमें से कौन सा है भाई, इतने सारे मेरे पास में पड़े हैं, ट्रेवरिंग ड्रैगन, वेयरवुल्फ विजार्ड। ओके ये वाला एक्सट्रैक्टर है तो ये वाला मैं यूज़ करता हूँ, और हमारे वेयरवुल्फ को रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ओके 28 है, और भाई साहब रिपेयर हो जाना भाई, 30% रेट मत दिखाओ यार। ओके तो अपडेट हो चुका है, ठीक है वेयरवुल्फ शैमन, वेरी नाइस भाई साहब, क्या बात है क्या ही बात है। ठीक है यार तो इसका क्या बोलते हैं एचपी फैक्टर 2.9 है, और 2.9 ही मेरे को चाहिए, लेकिन अटैक यार 2.6 है, और अटैक यार 2.8 आना चाहिए। ठीक है देखता हूँ, मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो से पहले मैं कैलकुलेशन वगैरह कर दूंगा, ठीक है। बिकॉज यार हमारा ये थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए यार, इसका अटैक थोड़ा सा कम लग रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं इसका कैलकुलेशन वगैरह कर लूँगा, उसके बाद मेरे को देखना पड़ेगा इसके बाद वाला जो अपडेट आएगा उसमें मेरे को कितने लेवल तक यार अगला वाला टेम करना है, ठीक है अगला वाला मैक्सिमम कितने लेवल का चाहिए भाई साहब। ठीक है कोई बात नहीं, चलो तो फाइनली हमने हमारे पास में आ चुका है वेयरवुल्फ शैमन, ठीक है और भाई साहब इसको ज़रा कॉल करते हैं, ठीक है कम ऑन कम हियर डूड। ओके इसका अटैक वगैरह सब सब कुछ डिसेंट, आर्मर भाई साहब 550 है, क्या बात है। ठीक है यार 550 आर्मर तो मेरा खुद का नहीं है भाई साहब, मतलब क्या ही पावर। ओ भाई ये तो मेरे जितना हो गया, ओके पहले मुझसे छोटा था अभी ये मेरे जितना हो गया है, और नेक्स्ट लेवल में तो भाई साहब मुझसे भी बड़ा हो जाएगा ये, ठीक है वेरी नाइस भाई साहब क्या बात है। ज़रा डैमेज वगैरह चेक करते हैं इसका भी, ठीक है हर बार भाई साहब मैं डैमेज पहले चेक करता हूँ। लोल ओके पिट डाल इसको, आ जा। ओके ही इज़ अ स्किल गिव मी, ठीक है तो इसका डैमेज 14 है, ठीक है ना, ये 18 है। ओ भाई 18 डैमेज है, ठीक है पहले वाले का कितना 12-13 था आई थिंक। हाँ चल भाई फिनिश हो जाओ, ठीक है तो भाई साहब तो फाइनली गाइस हमने बना लिया है हमारा वेयरवुल्फ शैमन, ठीक है और अभी इसके बाद में एक आखिरी अपडेट बचा है, ठीक है और वो आखिरी अपडेट हो जाने के बाद में हमारा वेयरवुल्फ विजार्ड बन जाएगा, ठीक है तो ठीक है गाइस उसके लिए मेरे को तैयारियां करनी पड़ेंगी, ठीक है काफ़ी सारी, क्योंकि अब भाई साहब उसका
पहले तो टेम करना पड़ेगा, टेम करने के लिए पहले फीड रेडी करना पड़ेगा, फीड रेडी हो जाएगा उसके बाद में कहीं मैं उसको टेम करूँगा, और उसके बाद में भाई साहब दोनों को मेरे को लेवल अप करना पड़ेगा भाई साहब। इसका 40 लेवल करने में मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, अब 45 लेवल इसका करना पड़ेगा। तो ठीक है भाई साहब, ऑफलाइन में सब कुछ करना पड़ेगा मेरे को, सारी तैयारियाँ। उसके बाद में मैं आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा, ठीक है। तो गाइस फाइनली हो चुका है हमारा वेयरवुल्फ शैमन। अगर गाइस आप लोगों को वीडियो हमारा आज का पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। With the